दर्शक बंधु भारत रु प्राय अनेक दूर रे थिपा उज्बेकिस्तान जेमिति कि मैप रे देखुचंती एहा भारत एठी उज्बेकिस्तान एही उज्बेकिस्तान रे सेंटर ओ एशियन कंट्री मान करो एको समिट निकट रे अनुष्ठित होइथला। तबे सबट बड़ कथा कह जाऊ कि सेंटर एवं एशिया देश मानक मध्यरे समन्वय रक्षा करिबा पई उज्बेकिस्तान रो ताशकेंट ठारे एक बड़ बैठक अनुष्ठित होइथला। ए बैठक रे पाखापाखी 40 देश सामिल होइथिले। परस्पर समन्वय रक्षा करिबा प्रतिरक्षा दिगरे मजबूत हबा अंतरिण सुरक्षा को संभालिबा देश देश मध्यरे संपर्क को बजाय रखिबा ता छड़ा एही देश माने मिलित भाबरे सामग्रिक भाबरे व्यापारिक क्षेत्र को आहुरी सुदृढ़ करिबा पई गुरुत्वारोप करिबा समानकर दूरदृष्टि एवं लक्ष्य को एठारे उपस्थापित करिबा पई एही बैठक अनुष्ठित होई। जेमिति कि ए बैठक रे अन्य देश मानक भली अफगानिस्तान मध्य भाग नैथिला एवं एही अफगानिस्तान रो मुख्य सरकार को मुख्य गनी सरकार को तरफरु अशरफ गनी भाग नैथिले। तबे एठारे जे भली भाबरे घटना घटीला एहा समस्त को चमकी दी अन्य मानक परे जेते बले अशरफ गनी को पाली पड़ला से जो बयान दिले ताहा समस्त को चकित कर दीला। अफगानिस्तान मामला रे एबे सबुठ बड़ कथा हला कि अशरफ गनी जो बयान देचंती से तांको बयान आधार रे एहा कहिसिले कि पाखापाखी पाकिस्तान रु 10,000 जिहादी अफगानिस्तान भितरे प्रवेश करी तालिबानी मानको समर्थन करचंती। केवल सेतिकी नुह पाकिस्तान सेना तरफ रु मध्य अफगान को धमक दिया जाइछि कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा रे यदि अफगान सेना कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करे ताहले पाकिस्तान तरफ रु बम वर्षा कराइबो एवं अन्यन्य भाषण भितरे एही जो दुईटी कथा ताहा समस्तंकु चकित कर देथिला बैठक। तांको थारु किछि दूर रे बसिथिबा इमरान खान एभले कोनोसी प्रतिक्रिया प्रकाश कर नथिले जहा अशरफ गनी को कथा को काटिबो। त सबटो बड कथा हला एबे अशरफ गनी सीधा सड़क पाकिस्तान को ए बाबत रे दोषारोप करथवा बले एहा को दृढ़ हस्तरे इमरान खान खंडन कर नथिले। अशरफ गनी को परे जेते बले इमरान खान को भाषण दबार पाली आथिला से एही जिहादी प्रसंग को एड़ाइबा को जाई सीधा सड़क कहिथिले कि पाकिस्तान मध्य आतंकवाद रो शिकार होई दीर्घ 15 वर्ष पर आमर भी 70,000 पाक नागरिकों मृत्यु घटी किंतु मूल प्रसंग जहाँ अशरफ गनी कहते कि 10,000 जिहादी पाकिस्तान रु आसी तालिबानी मान समर्थन रे अफगानिस्तान विरोध रे लड़ुचंती एही कथा को ना तो इमरान खान खंडन करथिले ना ए बाबत रे कोनोसी प्रसंग उत्थापन करथिले। द्वितीय कथा मध्य से सीधा सड़क मोड़ बुलेवा को जाए काश्मीर प्रसंग को उठाई थे एवं कही कि पाकिस्तान एवं भारत कथबार्ता करने समय से अनुकूल हम जितेबाला काश्मीर मामलू आरएसएस हटिजी ए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघर कौन भूमिका रही से कथा आलोकपात नक सीधा सड़ख भारत काश्मीर प्रसंग उठाई आरएसएस को दोषी करवा पाकिस्तान प्रधानमंत्री एभली बयानबाजी ए बैठक में उपस्थित थोड़ा देश मानक दृष्टिकोण बुलेवाई इमरान खान एभली बयान तो देते। द्वितीय आहरी मध्य कथा कहु कहु से कहते जहाँकि सोशल मीडिया अनेक ट्रोल होगा पड़ी कि उज्बेकिस्तान इतिहास से कड़े उज्बेक पीपुल उज्बेक लोकों ठू अधिक जानती एक कथा शुणापर से उज्बेकिस्तान अफिसर मैंने हसी जहाँ सोशल मीडिया बहुत जोर से ट्रोल हो तेरे मूल कथा मूल प्रसंग रहा कि एथरु स्पष्ट जहाँ अशरफ गनी कहते कि पाकिस्तान कौनसी ना कौनसी बाटे अफगानिस्तान सरकार को विरुद्ध तालिबानी को समर्थन करता भरी सभा भरी बैठक स्पष्ट कर अशरफ गनी सरकार केवल कर इमरान खान एक खंडन नक आउ एक घटना को सत्य और सांघातिक रूप से वर्णित कर विदेश मंत्री एस जयशंकर मध्य भाग लेते। एस जयशंकर कहवा कथा कि एक द्वितीय क्वाड्र गठन भारतर परिकल्पना यह कौन क्वाड भाई डायलग नुह यह एक व्यापारिक संपर्क
ଯେମିତିକି ଭାରତର ଇରାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏହି ଚାରୋଟି ଦେଶ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଥିଲା କାରଣ ଏହି ଦେଶମାନେ ବ୍ୟାପାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ମଜବୁତ ହେବେ ସେତିକି ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ମଜବୁତ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପାକ୍ ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ନାମ ନ ନେଇ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ କି ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ତଳେ ଚାଲିବା ନ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସହଯୋଗ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାମନା ନ କରିବା ଉଚିତ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପାରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏ ତ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବୈଠକରେ ଅଶରଫ ଗନି ଯେଉଁ ଚକିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ଆମେରିକାର ବିଶାରଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ ସମୀକରଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।